एक बार इसके डायमेंशन बता दीजिए, हाइट क्या है इसकी? ये 4.5 फीट हाइट है इसकी। अच्छा, उसकी गहराई लेंथ इसकी वही 30-32 इंच और चौड़ाई? और चौड़ाई इसकी हमारी जो है बाहर से बाहर ये लगभग 28 इंची है। 28 इंची, ठीक। ये जैसे हमने ये चेयर है, बहुत अच्छी चेयर लगती है, आजकल बहुत डिमांड में है ये चेयर। जी जी, ये देखिए डाइनिंग, जबरदस्त। ये मुंह से बोल रही है चीज़, क्या चीज़ है जी, बताइए इसके बारे में। ये डाइनिंग सर हमने बनाया है, अभी ऑर्डर गया है किसी का, जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी फिनिशिंग देखो कैसी फिनिशिंग है सर। मैं कह रहा हूँ देखो, डाइनिंग टेबल तो जबरदस्त है, पॉलिस्टर हो रखा है, इनले वर्क है, और साथ साथ ये हमारे मार्बल चिप से क्या है, ये हॉर्न है। अच्छा, हॉर्न है, बोन इनले कह रहे हैं आप, ये बोन इनले है ना, बोन है हमारा, ठीक है ठीक है। और यही जो आपने इसकी, क्या बात है, मतलब इसका एम्बोस्ट, मतलब उभारपन देखिए कितना जबरदस्त है इसकी फील्ड का। और फिनिशिंग देखिए, सेम हमने कलर किया हुआ है, क्योंकि जो वीनियर इसमें लगा हुआ उसका कलर भी थोड़ा ब्लैक ही रहता है, हमने और ज़्यादा इसको ब्लैक करके बनाया है, क्योंकि कस्टमर की डिमांड रिक्वायरमेंट थी, उसी हिसाब से हमने इसको बनाया है, ठीक है। और फिनिशिंग इसकी देखिए अब कितनी अच्छी आ रही है। अच्छा। और नीचे बेस भी हमने जो दिया है वो SS का बेस दिया है, जो आजकल बहुत पिलर वाले चल रहे हैं, और ये रोज गोल्ड में है, ठीक है। वो तो चलो जैसे कस्टमर डिमांड होगी सिल्वर गोल्ड, वो आप मिल जाएगा, ठीक है। बस वाकई में ये ठीक कह रहे हैं, बहुत मार्केट में दिख रहा है आजकल ये पिलर्स, और मतलब ये पूरा इफेक्ट दे रही है, वही बोन इनले का हमारा इफेक्ट दे रही है। पर मेरे ख्याल से बोन नहीं है ये, जो टेबल पर ऊपर ये क्या हो रहा है ये सर? ये रैगजीन की टेबल है, रैगजीन से रैगजीन को जमा करके उसमें कलर मिला करके फिर उसको ही कटिंग करके इनले किया हुआ है, ठीक है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, मतलब काम वाकई में करा गया है, मेहनत है इसमें काफी जी, और चीज भी दिख रही है, मेहनत दिख रही है इसमें। वही सेम हमारा बेस पिलर आ गया, पिलर वाला गोल्ड वाला है, वो रोज गोल्ड था, ये गोल्ड है, ठीक है, सेम जी। पर इसका साइज मेरे को 6-3 है, ये 6-3 है, और इसमें 3 इंची की लटक है ये। अच्छा, इसमें 3 इंची की लटक है, और इसमें हमारी कंपनी 2.5 इंची थी ना। हाँ जी, इसमें भी इतनी सेम है, लेकिन थोड़ा सा बस फर्क है, इसमें भी 3 इंची है, 3 इंची से कम है। हाँ जी, थोड़ा सा कम है, ये 3 इंची होगी, ठीक है। तो जो इसकी चेयर्स है वो इसी की है या? चेयर इसमें कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ये थी तो। अच्छा अच्छा अच्छा, फिनिशिंग जबरदस्त है आपकी चेयर, ये देखिए फिनिशिंग देखिए, ठीक है। तो इनमें अगर कोई कहता है कि मेरे को भैया ये टेबल चाहिए पर चेयर्स मेरे को कुछ और चाहिए, मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई कहता है कि मेरे को ऑलरेडी डाइनिंग टेबल है, मुझे सिर्फ चेयर्स लेनी है, चेयर्स भी मिल जाएगी, मिल जाती है। चेयर की फिनिशिंग देखिए, ये भी थोड़ा हमारा बाहर को निकल रहा है इसका। हाँ जी, हाँ जी, ऐसी फिनिशिंग की हुई है, बहुत अच्छी फिनिशिंग है, और इतना अच्छा कम्फर्ट है इसमें। अब देखिए पीछे भी हमने ब्रास का काम किया हुआ, ये इनले वर्क आगे हमारा मापा प्लाई पर पॉलिस्टर के साथ, ऊपर अगेट्स आगे हमारे जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स होते हैं हमारे, है ना। अब बेस हमारा मापा प्लाई, अंदर पूरा ब्रास की शीट लगी है, जो ब्लू अगेट्स हमारा रखा हुआ है, ये देखिए। इसमें भी हमने जो चेयर रखी है, देखिए चेयर इनले वर्क हमारा अलग है और इस पर अलग है। तो मतलब आपने जो पीछे डाइनिंग टेबल देखे उनके साथ भी ये चेयर आप ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसकी हमने देखो चेयर भी कैसी बनाई। जी जी, बस बस, ये काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी टाइम, बहुत टाइम बाद मैं देख रहा हूँ किसी डाइनिंग टेबल, डाइनिंग चेयर्स पर लेदर हाइट का वर्क हो रखा है। नहीं तो आजकल वही स्वेट लेदर हर जगह वही चल रहा है, भेड़ का, मतलब फिनिशिंग जबरदस्त, स्टिचिंग एकदम सीधी, ठीक है, बिल्कुल। देखिए आप, स्टिचिंग बिल्कुल सीधी आ रही है, जरा सी भी जो है ना आगे पीछे नहीं, ठीक है। तो ये आगे हमारी सेंटर टेबल है जी, बताइए। देखिए सेंटर टेबल 3x3 का साइज है इसका, और देखिए कितनी अच्छी सेंटर टेबल है। जी जी, फिनिशिंग तो है, ब्रास का और है, साथ SS के लेग्स है। लेग्स भी हम बहुत हैवी लगाते हैं, वो वैसे नहीं लगाते, वो हल्के वाले होते हैं, बहुत हैवी लेग्स है। कितने इंच है? 6 इंच ही हमारा, 6 इंच ही है ना, इसकी जो थिकनेस है ना मोटी है। अच्छा, लेग्स की थिकनेस काफी मोटी है जी, ठीक है। तो अभी इसका साइज क्या टॉप का? 3x3 फिनिशिंग देखो इसकी। अब मैं वही कह रहा हूँ कि दूर से लग रहा है जैसे ये नीचे जो ये पॉलिश है ये प्लास्टिक लगा हुआ है, कोई एक्रेलिक शीट लगी है, दूर से ऐसा लग रहा है। नहीं, प्लास्टिक नहीं है सर, पॉलिश किया है। वही तो कह रहे, ये दूर से मेरे को प्लास्टिक लग रहा है, मतलब ये हमारी पॉलिश है, प्योर पॉलिश, फिनिशिंग जबरदस्त। फिनिशिंग देखो सर कैसी आ रही है, बिल्कुल। ये हमने ये भी किया हुआ बहुत अच्छे से, इसमें ये बर्फी वाला काम जो किया हुआ है। एक बार क्वालिटी बता दीजिए आप, बेड में बॉक्सेस में क्या लगाते हैं और बैक पर फोम वोम क्या लगाते हैं? सर हमारे यहाँ कोई हल्का काम नहीं होता। देखिए सोफे में भी हम ज़्यादा का जो यूज़ करते हैं प्योर फोम यूज़ करते हैं। अच्छा, और भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट और चीज़ की होती है, जैसे हमने अभी फैदर का वो लेदर का सोफ़ा बनाया है, प्योर लेदर। हाँ जी, तो उसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि हमें फैदर की फोम चाहिए, थोड़ी हार्ड चाहिए, हार्ड चाहिए, तो हमने वही लगाया।
जो कस्टमर ने बोला। मैं अभी वैसे बेड की बात कर रहा हूँ, बेड की, बेड की बात मैं करूँ तो बेड में हम 18 प्लाई लगाते हैं, प्योर प्लाई। अच्छा, कोई भी कहीं भी चीज़ हम हल्की यूज नहीं करते। ठीक है, 18 की हर जगह ऑरेंजी प्लाई रहेगी। और जो ये बैग भी हमारी प्लाई में बनी हुई है, सब प्लाई प्लाई में। और फोम कौन सी यूज हो रखी है? फोम वही आप, मैं बता रहा हूँ, या तो फेदर की फोम यूज होती है हमारे, हल्की वाली फोम। अच्छा, ये फेदर फोम ही यूज करते हैं आप? ठीक है, लेते हैं। सोफा भी हमने रखा हुआ है, असल में हमारे पास जगह कम है, लेकिन सोफे हम बना ही रहे हैं, अभी हम दिखाएंगे आपको फैक्ट्री में सोफे। सोफे भी हमारे पास बन ही रहे हैं। तो एक बार इनकी क्वालिटी बता दीजिए, क्या क्वालिटी इसमें? क्वालिटी सब हम फोमिंग की बात हमने कर ली है, फैब्रिक की फोमिंग इस पे पूरी फेदर, हर जगह फेदर, हर जगह फेदर, आम पर होगी, सीट पर होगी, बैक पर भी फेदर ना? हाँ जी, हाँ जी। तो इस पे भी आप कह रहे हैं हर जगह फेदर फोम होगी? फेदर फोम। फैब्रिक कितने मीटर वाला? तो चलो कस्टमर की चॉइस है। हाँ, वो कस्टमर की। मैं इसमें मैंने एक चीज नोटिस करी बहुत प्यारी, ठीक है, जो इसकी स्टिचिंग दिख रही है ना सीट पर, जी जी, बहुत काफी स्लीक डिजाइन है जी। जी बताइए सर, ये भी हमने मापा टिक में बनाया है, हिले किया हुआ है ब्रास का, और इसका जो साइज है वो 5 फीट इसका ऊपर से साइज है। हाँ जी, और हाइट जो लगभग 36 इंची हाइट है इसकी। हाँ जी, चौड़ाई लगभग 15 इंची है। हाइट इसकी हमारी 36 इंच होगी, 3 फीट चौड़ाई, 5 फीट और जो इसकी डेप्थ है हमारी 15 इंचेस होगी ना? हाँ जी, एक कंफर्टेबल है, देखिए जबरदस्त डिजाइन, मैंने पहली बार देखा। जी जी बताइए, अच्छी लग रही है। ये मापा टिक में बनाई है इसको, प्लाईवुड में। तो ये क्या प्लाईवुड है या सॉलिड वुड है हमारी? ये नहीं, ये प्लाईवुड है, ये प्लाईवुड है पूरा। तो अभी ये कॉफी टेबल का हाइट क्या होता है हमारा? लगभग 19 इंच। हाँ जी, 19 इंच। हाँ, तो उसका आपने डायमीटर बताया हमारा 20 बाई 20 का। तो हमने ये चेस्टरफील्ड बनाया है, आप देख ही रहे हैं इसमें कितनी मेहनत लगी है, और ये लगभग इसे हमें बनाने में 1.5 महीना से ज़्यादा हो गया है, 1.5 महीना लगभग इसको बनाने में अच्छा लग गया हमें। एक महीना या 1.5 महीना? 1.5 महीना। 1.5 महीना पूरा सोफा, फ्रेम से लेकर पूरा आखिरी तक बना, अभी भी खत्म नहीं हुआ पूरा, अभी भी लेग्स रह रहे हैं इसमें। तो क्या फिनिशिंग है, जबरदस्त, वो भी ओरिजिनल प्योर लेदर में। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं इसके बारे में? सर आप डिटेल में देखिए, फिनिशिंग देखिए इसकी, आप इस तरह की फिनिशिंग है, जबरदस्त, मुंह से बोल रहा है, मतलब हर चीज को हमने प्रॉपर काम किया जैसे इसमें होना चाहिए। हाँ जी, और ये भी आपने देखा, ये बिल्कुल लगा है, देखिए किस हिसाब से इसमें काम किया हमने, फिनिशिंग देखिए, प्लेट ये सब, कूलिंग वगैरह सब, चेस्ट भी जो बनाया हमने बहुत ही अच्छा बनाया। जी जी, अब इसकी टफ्टिंग की गहराई, जी इसकी जो लेंथ है बाहर से बाहर 36 इंची। 36 इंची नहीं, तो स्टैंडर्ड 32 आता है मेरे हिसाब से, तो ये 36 इंची होगी। और जो इसकी सीट की, मेरे को बहुत ज़्यादा डर दिख रही है सीट की। सीट की गहराई लगभग 28 इंची, लगभग 28 इंच, स्टैंडर्ड 22 से 24 इंच आता है मेरे ख्याल, 28 से सर बहुत ज़्यादा हो जाता है। कस्टमर ने जैसा बोला वैसे ही हमने बहुत ज़्यादा कर दिया। मैं बताऊँ, कभी भी किसी को अच्छा सोफा देखना ना, तो उसकी ये प्लीट चेक कर लो जी, ये वाले प्लीट्स जी, ये हर किसी की टेढ़ी मेढ़ी। और ये एकदम एक सार जबरदस्त, ऊपर से इसकी जो प्लीट्स है, टफ्टिंग है, मज़ा आ गया सर। और हम देखें 3 सीटर की भी आप साइज देखेंगे, लगभग 8 फीट इसकी लंबाई है। अच्छा, 8 फीट इसकी होगी। हाँ जी, लंब 3 सीटर की, 3 सीटर की, ठीक है। तो अभी जो अभी प्योर चेस्टरफील्ड, मतलब प्योर चेस्टरफील्ड या ओरिजिनल चेस्टरफील्ड बोलेंगे, प्योर लेदर में, प्योर लेदर, प्योर। इसका एक बार स्ट्रक्चर प्लस फोम भी बता दीजिए सर। टेक्चर इसका हमने जो बनाया 2.5 में बनाया है। अच्छा, वो मैं आपको भी दिखा दूंगा बाहर, मतलब इस हिसाब से मैं काम किया, आप देख लीजिए कि हमें 1.5 महीने से तैयार करने में लग गया, अभी भी तैयार नहीं हुआ, इसमें लैग्स रह रहे हैं। जी 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 जी। और इसमें फोमिंग कौन सी कंपनी की हो रही है? सर वैसे तो हम जो यूज़ करते हैं प्योर फोम यूज़ करते हैं। अच्छा, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि इसमें जो है फेदर की फोम यूज़ की जाए। अच्छा, हमने वही फेदर की फोम यूज़ की है। उसका रीज़न कुछ था क्या? कस्टमर को थोड़ा सा हार्डनर चाहिए, हार्ड चाहिए थोड़ा, क्योंकि प्यू काफी सॉफ्ट होती है, और जो हमारे चेस्ट फील्ड जो माना जाना जाता है प्योर लेदर में, सॉफ्ट ही मांगते जाता है, और आप सही कह रहे हैं कि हार्ड चाहिए था तो फेदर लगा दी। मैंने आपको बताया था जैसे 2.5 ग्राम फ्रेम यूज करते हैं, तो आप देखिए इसमें 2.5 ग्राम हमने फ्रेम लगाया हुआ है। ठीक है, हाँ ठीक है। ये जो हमने प्लाई भी यूज की है ना, ये सब 18 mm प्लाई है, 18 mm की प्लाई होगी, कहीं भी आधा इंच की कोई प्लाई नहीं है, 10 mm की कोई प्लाई नहीं है, सब हमने 18 mm की यूज की हुई है। ठीक है, वही बाहर मापा प्लाया भी, दिलने जी पॉलिश पॉलिश अभी होनी है इस पे। जी जी, ये टेबल वगैरह भी देखिए सब, मान लीजिए हमारा यहाँ पॉलिशिंग का काम होता है, ये आपके जो चेस्ट फील्ड के मेरे ख्याल से जो हमने जी ये लेग्स हैं चेक उसके, है ना, ये उसके लेग्स हैं चेस्ट फील्ड, और ये अंदर पॉलिश होते हैं, ये पॉलिश होता है। और वहाँ पीछे भी मैंने देखा कुछ बन रहा है, वहाँ ये हमारा मैनुफैक्चर यहाँ काम होता है,
अच्छा, जितने भी फ्रेम्स होते हैं, टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफा या कंसोल, सब यहाँ होते हैं। ठीक है, तो ये असली मापा प्लाई होती है ना? जी जी, ये मापा प्लाई होती है हमारी। जी जी,